उत्तर नागपुरातील इंदोरा येथे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्राचे श्रेणीवर्धन करून 615 रुग्णशय्येच्या अतिविशेष उपचार रुग्णालयाला मंजुरी देण्यात आली आहे, परंतु विद्यमान सरकारी संस्था उत्तर नागपुरातून इतरत्र पळवण्याचा घाट रचत आहे। तातडीने संस्थेचे बांधकाम सुरू न केल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा डॉक्टर आंबेडकर रुग्णालय बचाव समितीकडून देण्यात आला आहे। टिळक पत्रकार भवनात झालेल्या पत्रकार परिषदेत समितीतर्फे वेदप्रकाश आर्य, दिनेश अंडरसहारे, वामन सोमकुंवर उपस्थित होते। पिछले 6 महीना पहले 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में के उद्घाटन में उप मुख्यमंत्री इन्होंने घोषणा की थी कि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र के निर्माण कार्य को हम लोग जल्द से जल्द शुरू करने वाले हैं, किंतु 6 महीने बीत जाने के बावजूद भी उस निर्माण कार्य को राज्य सरकार ने शुरुआत नहीं की है। पार्श्वभूमि ऐसी है कि विधायक नितिन राउत के प्रयत्नों से यह रुग्णालय हमारे उत्तर नागपुर जैसे दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, बहुजन, किसान, कामगार वर्गों का बहुलता एरिया में लाया गया। उसके लिए 615 बेड की मंजूरी राज्य सरकार ने दी, 1,165.65 करोड़ रुपए मंजूर किए और प्रत्येक वर्ष लगने वाले 78 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का पैसा मंजूर करने के बाद भी अब इस प्रकल्प को रोका जा रहा है। इसके पहले भी 2014-19 के बीच में उत्तर नागपुर में आया हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज दक्षिण पश्चिम नागपुर में उसको स्थानांतरित कर दिया गया था। तो उत्तर नागपुर की जनता के साथ निरंतर यह भेदभाव की नीति राज्य सरकार निरंतर अपना रही है। आपने देखा होगा कि 1991 में डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जन्म शताब्दी स्मारक बनाया, उसकी ज़मीन सैंक्शन की, उसके लिए 5 करोड़ रुपया सैंक्शन किया, वो अभी तक उसका निर्माण कार्य आज 29 साल होने के बाद नहीं हुआ है। आपको जानकारी देना चाहूँगा कि शताब्दी चौक में जो स्मारक के लिए जगह थी उसकी ज़मीन भी राज्य सरकार ने हड़प ली है। अम्बाझरी भवन जो बनाया बुनाया था उसको इस राज्य सरकार की हिम्मत देखी कि उसने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जी के नाम से बनाया हुआ महानगर पालिका द्वारा इतना बड़ा भवन जो नागपुर शहर की आन बान शान थी उसे तोड़ दिया। उसी तरीके से डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर 13 तारीख को जब नागपुर में धम्म दीक्षा के लिए आए थे तो आनंद होटल में रुके थे, उस जगह को स्मारक घोषित किया जाए करके हम लोगों ने बहुत वर्षों से हमारे लोगों ने लड़ा है, वो भी अभी तक उन्होंने मंजूर नहीं किया। नारा में 130 एकड़ पर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जी के नाम से अंतर्राष्ट्रीय उद्यान बनाने का प्रकल्प था, उसे भी रोक दिया गया। मैं इसके उल्लेख इसलिए करना चाह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जी का नाम आ जाता है तो वर्तमान जो सरकार है, जो जातीयवादी सरकार है, जो आंबेडकर द्रोही सरकार है, वो सरकार नहीं चाहती कि उत्तर नागपुर में या बाबासाहेब आंबेडकर जी के नाम से किसी प्रकल्प को पूरा किया जाए, समय पर पूरा किया जाए। वे निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकल्प को रोका जाए। पिछले अधिवेशन में विधायक नितिन राउत जी ने जब प्रश्न उपस्थित किया था कि भाई डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र के निर्माण कार्य को लेट क्यों किया जा रहा है, तो गिरीश महाजन जी ने वहाँ उत्तर दिया था कि उसे कुछ कारणों की वजह से हम स्थानांतरण करने का सोच रहे हैं। हम इस मामले पे जब अधिकारियों से नागपुर में मिलते हैं तो उनका कहना है कि हमें राज्य सरकार की ओर से गो स्लो का आदेश मिला हुआ है। तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस प्रकल्प को भी वो लोग किसी अपने अपने क्षेत्र में स्थानांतरण करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने कृति समिति बनाया, अलग अलग दलों के लोग, सामाजिक संगठना के लोगों ने मिलकर और इस प्रकल्प के कार्य को शुरुआत करने के लिए हम लोग जितना भी संवैधानिक मार्ग है उस मार्गों से हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयारी कर रहे हैं।